गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेंद पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, डोंट थिंक इट इज ओवर बिकॉज आपको देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही है, मैं अपनी तरफ से कई चाले चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक आ गई जिसमें इमरान खान को ये कहते सुना जा सकता है कि 5 में खरीद रहा हूँ, 5 मेरे पास हैं, वो 5 बहुत अहम हैं, कई चाले चल रहा हूँ जो पब्लिक नहीं कर सकते। मुबैना ऑडियो लीक में इमरान खान को ये कहते हुए भी सुना गया है कि कोई फिक्र ना करे, गलत या ठीक, जीत के लिए कोई भी हरबा हो इस्तेमाल करें। आज न्यूज इस मुबैना ऑडियो लीक की तस्दीक नहीं कर सकता। इमरान खान ने कौम के साथ खेल खेला और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। कौम ऑडियो बार बार सुने ताकि फितने का इदराक हो सके। वज़ीर दाखला राणा सना की तनकीद, बोले लॉन्ग मार्च के खिलाफ मौसर हिकमत अमली बना ली है, किसी सूरत इस हरबे को कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद पहुँचना ख्वाब ही रह जाएगा, एक जत्थे को इजाजत दे दी तो रोज जत्थे आएंगे। खौफ का बुत भी हमारे रास्ते की बड़ी रुकावट है, हमें जहालत की जंजीर तोड़ना होगी। आपकी सबसे बड़ी जद्दोजहद आजादी के लिए होनी चाहिए, हारने से डरने वाला कभी नहीं जीत सकता। मुआशरे में इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। इमरान खान का नमल यूनिवर्सिटी में खिताब, तहरीक इंसाफ आज मियांवाली में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी, लॉन्ग मार्च की तारीख देने का इम्कान। नई ऑडियो को टुकड़े जोड़कर तैयार किया गया, साइफर ऑडियो लीक्स की तहकीकात जुडिशियल कमीशन करे, असद उमर का मुतालिबा। ऑडियोस कहां और कैसे बन रही हैं सब पता है, क्या आवाजें जोड़कर आप NRO2 को जायज साबित कर लेंगे, फवाद चौधरी का सवाल। फयाजुल हसन चौहान बोले, ऐसी हरकतों से इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग के कारोबार के सरगना हैं, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरान खान मुल्क और माशरे के लिए खतरा हैं। चर्चिल मेमन का रद्द अमल, मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान आज बेनकाब हो गए, ऑडियो से उनका बयानिया वाज़ेह हो गया। सेंटर सैफुल्ला नियाज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया, इत्तेफाक दुर्रानी ने तस्दीक कर दी, ट्वीट में लिखा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। फवाद चौधरी का चेयरमैन सेनेट से नोटिस लेने का मुतालिबा, कहा इससे ज्यादा पार्लियामेंट की तौहीन नहीं हो सकती। FIA के सैफुल्ला नियाज़ी को गिरफ्तार करने की तर्जी। PTI ममनू फंडिंग केस की तहकीकात जारी, FIA लाहौर ने इंसाफ ट्रस्ट के ट्रस्टी हामिद खान को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान और CCPO लाहौर गुलाम डोगर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान की मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत असद खोकर की गिरफ्तारी से मुतालिक पूछताछ, तबादले के बावजूद लाहौर में काम जारी रखने की हिदायत। डोनाल्ड लू से मुलाकात में साइफर या मुबैना धमकी पर बात नहीं हुई, ब्लिंकन से बातचीत का महवर सैलाब से तबाही था। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का निजी TV को इंटरव्यू, बोले गैर मुल्की साजिश की बात करने वाले अमरीकियों से इलेक्शन की बात करें तो अफसोसनाक है। इमरान खान की कोशिश है कि किसी एम्पायर की उंगली उठ जाए मगर वो नाकाम होंगे। अदालत को फैसला करना होगा कि कब तक इमरान को लाडला बनाए रखेंगे। पाकिस्तान की रेटिंग कम करना दुरुस्त इकदाम नहीं, अगर रेटिंग कम करना थी तो पहले बात कर लेते। वजीर खजाना इसहाक डार के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मईशत की सूरत हाल चैलेंजिंग है लेकिन घबराना नहीं है। डॉलर की कीमत मसनू तौर पर बढ़ाई गई, स्पोर्टर्स को सस्ती बिजली फराहम करेंगे, पिछली हुकूमत प्रॉप के सिवा कुछ नहीं थी। मूडीज ने रेटिंग भी कम कर दी, इसहाक डार और मिफ्ता एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा डील मुकम्मल हो गई, केस खत्म हो गए, सिर्फ इंतखाब से भागना है जो मुमकिन नहीं। असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार को रिलीफ मिल गया, एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। इसहाक डार की हाजिरी से इस्तिस्ना जायदाद कुर्की का हुक्मनामा भी मंसूख करने की दरख्वास्त पर NAB को नोटिस जारी।
इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान डॉलर 2.18 रुपए सस्ता 219.75 रुपए का हो गया। सिंध के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बेघर, बेरोजगारी और वबाई अमराज में इजाफा। गुलाबी में सैलाब के बाद माल मवेशियों का चारा नापैद हो गया। शहीद बेनजीराबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लूट लिया गया। बलूचिस्तान में सैलाब के बाद तबाही के मनाजिर। जल मक्सी के गांव फकीराबाद लाशारी में कच्चे मकान मुनहदिम। वबाई अमराज में इजाफा, मुतासरीन शदीद परेशान। मैक्सिको में मुसल्ला शख्स का सरकारी इमारत पर हमला, फायरिंग से 20 अफराद हलाक। मरने वालों में टाउन मेयर भी शामिल, 3 जख्मी हुए।